यार ये तो एविल नन थी। अरे ये मैं कहाँ आ गया। तो मेरे को यार बहुत ज़रूरी काम आ चुका है कल, क्योंकि कल मेरी जॉब इंटरव्यू फिक्स हो चुकी है लेकिन एक दूसरे शहर में। तो आज मुझे जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। तो ट्रेन की टिकट तो मैंने बुक कर ली है, ट्रेन हमारी रात को है, लेकिन उसके पहले मुझे सारी तैयारी करनी है और मुझे कुछ पैसे भी लाने हैं बैंक से, क्योंकि उस शहर में मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। जिम एक बार देख लेता हूँ, मैंने सारी मशीनें बंद कर दी है ना। ठीक है चलते हैं अब। ट्रेन तो वैसे रात में है लेकिन जितना जल्दी सारा काम रेडी हो जाए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कल मैं किसी भी हालत में जॉब इंटरव्यू अपनी मिस नहीं कर सकता। बाइक निकालते हैं और चलता हूँ बैंक की तरफ। बैंक तो मेरे घर के जस्ट पीछे ही है। ये आ गया बैंक, तो चलो पैसे लेके आते हैं। ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है नहीं, बस थोड़े से ही चाहिए क्योंकि इंटरव्यू बस देना है मुझे और अगले दिन वापस आ जाना है। अरे यार ये क्या हुआ यार, इनके पास तो भी पैसों की कमी है। इन्होंने बोला है कि दूसरे ब्रांच में से जाके अपने पैसे निकाल सकते हो। ये क्या बात हुई यार, ऐसे तो भाई बंदा भटकते ही रहेगा इधर उधर, ये बैंक वाले भी ना। लेकिन कोई बात नहीं, जो दूसरा ब्रांच है वो ज़्यादा दूर है नहीं, जो हमारा स्टेशन है उसी के जस्ट पास में, तो चलते हैं वहाँ पे। अभी क्या है, मुझे ज़रूरत भी है, पता चले वहाँ पे मैं गया और मेरे पे पैसों की कमी पड़ गई, तो इसलिए मैं पैसे अभी से रेडी लेके चल रहा हूँ। और इधर से हम लोग को राइड जाना है, बस थोड़ा ही आगे है बैंक इधर। अरे भाई ये क्या था, यहाँ से कुछ आवाज़ आई मुझे बहुत ही खतरनाक। लेकिन ये स्कूल में से क्या ही आवाज़ आ रही होगी भाई, यहाँ तो बच्चे पढ़ रहे होंगे। मेरा वहम भी हो सकता है ये वैसे, लेकिन छोड़ो अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे अपने पैसे निकालने। बस पहुँच गए, अब बस ये लोग नौटंकी नहीं करे, जल्दी से मेरे पैसे दे दें। चलो बढ़िया है, पैसे तो हमारे मिल चुके हैं, अब चलते हम लोग घर। वो क्या है कि ना मैं बैग लाना भूल गया था, तो इन लोगों ने ही मुझे एक बड़ा सा बैग दे दिया। इतने पैसे है नहीं इसमें जितने लग। अरे ये क्या आवाज़ हो, बच गया यार मैं, अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता इस आवाज़ के चक्कर में। पता नहीं यार, एक बार नहीं दूसरी बार मुझे आवाज़ आई है, तो पक्के में यह वहम तो नहीं है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल, मेरी रात की ट्रेन है, मैं चला घर। बाइक को तो मैं स्टेशन पे ही खड़ा कर दूंगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं। अरे यार एक दिक्कत है, अरे भाई साहब मैं भूल कैसे गया, मैंने तो बाइक में पेट्रोल ही नहीं डलवाया, रात में मैं कैसे जाऊंगा फिर स्टेशन। अरे भाई यार पेट्रोल भी कम है, चलो फिर जल्दी से चलता हूँ और पेट्रोल पंप पे मैं पेट्रोल भरवा लेता हूँ। बाइक में यार सफिशिएंट पेट्रोल होना चाहिए, अगर कहीं भी गाड़ी रुक गई तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया ये सही टाइम पे, वरना यार बहुत दिक्कत हो सकती थी रात में, अगर गलती से भी मेरी गाड़ी रुक जाती, कहीं तेल ख़त्म हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। पेट्रोल पंप तो खुला हुआ है, भरवा लेता हूँ मैं, टंकी फुल करवा ली है मैंने, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब घर चलते हैं, अब सारा काम हो चुका है। चलो अब थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यार ट्रेन में वैसे भी नींद आती नहीं है, तो नींद अभी पूरी हो जाएगी। अरे यार मैं ज़्यादा सो गया, मैं लेट हो गया, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, जल्दी जाना पड़ेगा मुझे, मेरी ट्रेन छूट ही जाएगी यार लग रहा है। लेकिन अभी भी 10 मिनट है, 10 मिनट में तो मैं आराम से पहुँच के चढ़ भी जाऊँगा ट्रेन, और बाइक भी अपनी खड़ी कर दूंगा वहाँ पे पार्किंग में। जल्दी से निकलता हूँ, अलार्म लगा लेना था यार मेरे को, यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार, कल इतनी इम्पॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू और मैं इधर घोड़े बेच के सो रहा हूँ, बताओ ये क्या हो रहा है। अरे यार ये क्या है, यहाँ पर रोड किसने ब्लॉक कर दी, यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी सारी कौन खड़ी करके चला गया भाई, यार पूरा रोड ब्लॉक कर दिया। छोड़ो अभी मैं लड़ने बैठ गया तो मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा मैं घुमा के थोड़ा चले जाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट और लेट होगा लेकिन पहुँच तो जाऊँगा मैं। चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। अरे यार ये क्या, ओहो नहीं 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 नहीं, अरे मेरी गाड़ी भाई, यार ये क्या था, ओहो भाई साहब पूरी लग गई मुझे, क्या था क्या ये यार, पता नहीं सुबह से मेरे को 3 बार आवाज़ आ गई, और इस बार मैं इतना तेज डरा कि मेरी बाइक मेरे से कंट्रोल नहीं हुई, कहाँ है मेरी बाइक। अरे भाई अरे मैं तो लेट हो गया, मैं तो भूल ही गया था मेरी ट्रेन है यार, ट्रेन छूट जाएगी मेरी, जल्दी 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 भाई, यार टाइम है ही नहीं बिल्कुल यार। आज तो गया मैं, गई मेरी जॉब, गया मेरा इंटरव्यू, सब गया यार, कहाँ है ट्रेन, दिखी नहीं रही मेरे को तो। अरे आंटी कौन आ गई सामने, आज भाई किस्मत ही नहीं है यार, क्या हो क्या रहा है, कोई ना कोई आ जा रहा है, कोई आवाज़ आ रही है, आंटी आ जा रही है, हो क्या रहा है, ट्रेन कहाँ है, स्टेशन पे ट्रेन ही नहीं खड़ी है भाई यार, ट्रेन कहाँ चली गई। अरे नहीं यार ट्रेन गई क्या, यही तो होनी थी यार, मुझे लग रहा है मैंने ट्रेन मिस कर दी। लो ये सब उस आवाज़ के कारण हुआ है, वो स्कूल में क्या आवाज़ आ रही है भाई, स्कूल की छुट्टी हो जाती है दोपहर में और आवाज़ अभी आ रही है रात में,
और ये ट्रेन जा रही है यार, ट्रेन तो छूट गई मेरी, अब कुछ कर नहीं सकता मैं, बहुत दूर निकल गई है ये, अब घर ही चलता हूँ। एक तो चोट भी लग गई है इतनी, अब मुझे जाके मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। भाई काफ़ी गहरी नींद आई है मुझे कल, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा चोट लग गई थी ना कि आराम से सोया हूँ मैं तो। दोपहर हो चुकी है, अब जॉब तो गई, चलो छोड़ो टीवी देख लेते। ये तो वही स्कूल है, यहीं से तो आवाज़ें आ रही थी कल, मुझे 3 बार आवाज़ें आई हैं, और इधर आज पुलिस खड़ी है। मतलब उधर कुछ हो रहा था क्या, और मुझे मालूम भी नहीं चला यार, मुझे लग भी रहा था कि वहाँ से आवाज़ें आ क्यों रही है, कुछ तो हुआ है उधर, क्योंकि इतनी सारी पुलिस खड़ी है ना। चलो चलो जल्दी चल के देखता हूँ हो क्या रहा है उधर। वो रहा स्कूल, और पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, और ये पुलिस कहाँ जा रही है, लंच ब्रेक पर जा रही है क्या? यार ये पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी तो है, मतलब कुछ तो है स्कूल में, मेरे को यार पता लगाना है, क्योंकि इसके चक्कर में ना मेरी जॉब इंटरव्यू मिस हो चुकी है। तो अंदर जो भी है ना इसको तो भाई मैं बताता हूँ जाके, अभी देखता हूँ पुलिस तो नहीं है ना आसपास, पुलिस तो वैसे काफ़ी दूर जा चुकी है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मुझे कोई रोकेगा है नहीं, जाके देखता हूँ कौन है अंदर। अभी कोई नहीं, अभी आसपास। गेट खुला है क्या? अरे यार गेट तो लॉक है इसका, अरे यार इसका गेट तो बंद है, इसकी चाबी लानी पड़ेगी, चाबी कहाँ से मिलेगी इसकी? मेरे पास एक ऐप तो है वैसे, इसमें हर सवाल का जवाब रहता है, इसमें लिख के देखता हूँ स्कूल की। स्कूल की है ओके, लेकिन ये बिल्डिंग के पास एक कंटेनर के पास मिल जाएगी मुझे। ठीक है अब भी जाता हूँ मैं, अभी के अभी। वो कंटेनर किसी तो बिल्डिंग के ऊपर है, ब्लू कलर का कंटेनर है, और ब्लू कलर का कंटेनर वो रहा, समझ गया मैं, उस बिल्डिंग के ऊपर है। उस बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे हम लोग इन कंटेनर से। ठीक है रास्ता भी मिल चुका है मुझे, बस अभी पहुंच गया। यहाँ पे जो कंटेनर है इससे मैं जाऊँगा ये वाली बिल्डिंग पे, और फिर जब लगाऊंगा वो वाली बिल्डिंग पे। बहुत इजी है भाई, आज तो चाबी मेरी है, कोई और तो वैसे लेगा भी नहीं, मेरे अलावा कौन नहीं जा रहा है स्कूल में। चलो ये आ गए इस बिल्डिंग पे, अब ये थोड़ी लंबी जंप है, इसको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। यार थोड़ा दूर लग रहा है, मेरी बाइक पहुँचा देगी क्या? बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बिल्डिंग? अरे 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 पहुंच गया, बहुत सही। और ये रहा हमारा कंटेनर जिसके पास चाबी है। चलो चाबी मुझे मिल चुकी है, अब रात में जाता हूँ, बताता हूँ कौन है वो अंदर। भाई कौन चिल्ला रहा है? अरे यार ये पुलिस की गाड़ी तो अभी भी खड़ी हुई है यार। यार ये मुझे रोकेंगे, मुझे कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा क्या? एक बार देखता हूँ पास जाके। वैसे इधर एक दूसरा गेट भी है, लेकिन इस गेट की तो चाबी है नहीं मेरे पास। एक काम करता हूँ, पुलिस तो मुझे दिखाई दे नहीं रही है, चले ही जाता हूँ, गाड़ी को मैं यहाँ रख देता हूँ, ताकि अगर कोई पुलिस वाला आए तो उसे मालूम नहीं चले कि कोई अंदर गया है। ठीक है इधर अभी तो कोई पुलिस वाला है नहीं, गेट मेरे जस्ट आ गई है, चल के देखते हैं अंदर। ये क्या है यार, यहाँ पे तो खून लगा है क्या ये दीवारों पे? भाई इतना सारा, भाई ये क्या है इतना खून? ये स्कूल है क्या है यार? ये स्कूल में क्या हो रहा था इतने दिन से? ये बेड वेड लगा के रखे, ये तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है। रुको यार ये क्या चल रहा है, ये क्या है, कोई खड़ा है क्या? अरे यार ये तो एविल नन थी। अरे ये मैं कहाँ आ गया, ये एविल नन स्कूल में, तभी सोचू ये क्या आवाज आ रही थी। एक तो इसने मेरी चाबी छीन ली, अब मेरे को चाबी ढूंढनी पड़ेगी मेन गेट की, मैं बाहर कैसे आऊंगा यार? इसने बहुत खतरनाक मारा है मुझे, मेरे को ना सही में कुछ समझ आ नहीं रहा है, इतनी खतरनाक डायन यहाँ पे क्या कर रही है? ये रही स्कूल की क्लास, यार मेरे को कोई तरीका निकालना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने का, हो सकता है मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं बाहर निकल पाऊँ। लेकिन ये एविल नन को भाई, इससे मुझे बच के रहना पड़ेगा, अगर ये इसने मुझे फिर से देख लिया ना, इसने मुझे बंद कर दिया था वो तो मैं निकल के आ गया थोड़ा सा, लेकिन अगर इसने मुझे फिर से देख लिया ना पक्का मार देगी मुझे। मुझे कुछ चाहिए। ओके भाई मुझे यहाँ पे एक झाड़ू मिला है, झाड़ू से मैं कुछ तो कर सकता हूँ, देखता हूँ कुछ और इधर क्लू हो अगर बाहर निकलने का। ड्रॉअर में यहाँ पे कुछ कुछ सामान रखें, ये क्या है? केबल, एक केबल है, और मेरे को लग रहा है कि मैंने कहीं तो भाई कहीं पे तो स्विच देखा था इलेक्ट्रिकल। इधर आवाज़ क्यों? अरे नन नहीं नहीं, भागो भागो जल्दी भागो, इसने मुझे देख लिया भाई, जल्दी भागो जल्दी भागो, मुझे वो स्विच ढूंढना पड़ेगा यार, इससे पहले देख ले कहाँ है, आ तो नहीं रही? नहीं भाई वो स्विच कहाँ है? ओ ये रहा भाई, वायर यहीं पे आ रही थी। ठीक है मैंने चालू कर दिया है गेट का करंट, गेट लेकिन कहाँ था? ये रहा एग्जिट लिखा है, ये रहा स्विच मिल गया। ठीक है
इसके अंदर जाना है क्या हमें? यहाँ पे अच्छा इधर ऊपर कुछ है, शायद मैं इस झाड़ू से इसको खोल सकता हूँ। क्या है ये, बाहर जाने का रास्ता तो नहीं है? कुकीज बॉक्स। ठीक है ठीक है ठीक है, इस बॉक्स को मुझे खोलना पड़ेगा। इस बॉक्स को खोलने के लिए मुझे ना इसको थोड़ी हाइट से फेंकना पड़ेगा तो फिर ये खुल जाएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ सामान है नहीं खोलने के लिए। तो इधर होगा ना कहीं तो यार, जहाँ पे प्लेग्राउंड होगा। ये रहा, ये बास्केटबॉल कोर्ट है ना, यहाँ फेंक दिया। ठीक है, बॉक्स खुल चुका है, अब हमें बस जाके कलेक्ट करना उसमें क्या है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता देखना पड़ेगा। ये किधर आ गया मैं यार, पता नहीं मैं किसी बेसमेंट में घुसा था। और ये बहुत ही डरावना लग रहा है भाई, ये गलती से भी इधर आ गई ना, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा। आ गया आ गया आ गया, मिल गया, मुझे रास्ता भी मिल गया यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट का। कहाँ है टिफिन बॉक्स, कहाँ है? ये रहा कुकी बॉक्स। तो ये रहा, ओके भाई, चाबी इसी में थी। अब बस मुझे गेट खोलना है और मैं बाहर निकल जाऊँ। भाई गलती कर दी मैंने यहाँ पे आके, गाड़ी को निकाल रहा है, पुलिस वाले तो नहीं है? भाई रुको, गेट खोलो। आ गया मैं बाहर, ओ भाई क्या ही बच के आया हूँ, जल्दी निकलता हूँ यहाँ से। भाई मैं कभी नहीं आऊँगा इस स्कूल के अंदर, मैं कभी नहीं आने वाला। भाई माफ़ कर दो, जॉब गई तो गई यार, आई विल नन, आई एम सॉरी। मैं जल्दी भाग रहा हूँ यहाँ से यार, मेरा घर, मेरा प्यारा घर फाइनली। अब भाई मुझे किसी से कोई लफड़ा नहीं करना है, चलो घर पे अच्छे से अपने घर में सोते हैं। तो कल तो मैं बच गया कैसे भी एविल नन से, लेकिन आज देखते हैं भाई आज क्या हो रहा है न्यूज़ में। ये क्या है भाई, टैंक? अच्छा लोग स्कूल पे हमला कर रहे हैं क्या? ये सही है यार, आर्मी बुला ली इनने। गया भाई स्कूल पर, अटैक ही कर दिया एविल नन को मारने के लिए। ये सही किया यार, लेकिन ये एविल नन ना वरना भाई ख़त्म कर देती लोगों को यार, पता नहीं किस किस को पकड़ लेती अपने स्कूल में, जैसे मुझे दबोच लिया था वैसे ही। लेकिन अच्छा किया कि पुलिस ने ही अपने हाथ में ले लिया और ख़त्म कर दिया उसको। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी मज़ेदार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी हो जहाँ पे मैंने ग्रैनी ग्रैंडपा जो हमारे शहर में घुस गए थे उनको मारा था, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।